यातायात पुलिस द्वारा मंगलवार को चंद्रा मौर्य चौराहे में बगैर वर्दी पहने ऑटो चला रहे ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत 300 रुपए जुर्माना वसूल कर दोबारा बिना वर्दी के पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर द्वारा 2 दिनों पूर्व यातायात कार्यालय दुर्ग में ऑटो चालकों की बैठक लेकर उन्हें वर्दी पहनने और यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई थी। साथ ही निर्धारित स्थान पर ही ऑटो खड़ा कर लोगों को बैठाने और उतारने की अपील की गई थी। बैठक के बाद भी ज्यादातर ऑटो चालकों द्वारा बिना वर्दी पहने ही भिलाई से दुर्ग और दुर्ग से भिलाई के बीच ऑटो का परिचालन किया जा रहा है। चंद्रा मौर्य चौराहे के समीप यातायात पुलिस के निरीक्षक पीडी चंद्रा के नेतृत्व में ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस के इस अभियान में ज्यादातर ऑटो चालक बिना वर्दी के ही ऑटो चलाते नजर आए, जिन्हें यातायात पुलिस के निरीक्षक पीडी चंद्रा के निर्देश पर यातायात पुलिस के सिपाहियों द्वारा रोक कर वर्दी पहने जाने की समझाइश देने के साथ ही जुर्माना भी वसूल किया गया। वहीं ऑटो चालक यातायात पुलिस के कर्मचारियों को वर्दी नहीं पहने जाने के पीछे के कारणों को बताते भी नजर आए। यातायात पुलिस के इस अभियान में अनेकों ऑटो चालक पकड़ में आए, जिनके द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। अभियान की जानकारी यातायात पुलिस के निरीक्षक पी डी चंद्रा ने दी। ऑटो चालकों को निर्धारित वर्दी पहनकर यूनिफॉर्म पहनकर ऑटो चलाने के लिए बताया गया है, जिसको इसके द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके लिए बिना यूनिफॉर्म पहने हुए ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जब तक ये लोग वर्दी पहनना नहीं सीख जाएंगे, प्रतिदिन कार्रवाई जारी रहेगी। बहरहाल यातायात पुलिस ने अपने इस अभियान को लगातार जारी रखे जाने की बातें कही है। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बातें भी कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।